भाई तू मुझे रक्षाबंधन पे क्या गिफ्ट देगा? अरे हम तो गरीब हैं, एक गरीब किसी को क्या दे सकता है? हम जैसे लोग तो गरीब पैदा होते हैं, गरीब मर जाते हैं। भैया मुझे इस बार रक्षाबंधन में क्या गिफ्ट दे रहे हो? 10 का नोट काफी होगा ना? सिमरन के बारे में पापा को बताना भी काफी होगा ना? झुमका दिलाऊंगा, कंगना दिलाऊंगा, सब कुछ मिलाऊंगा तेरी कसम। लड़कों कृपया लड़कियों से दूरी बनाए रखो, क्योंकि फ्रेंडशिप की डेट तो निकल गई, अब केवल रक्षाबंधन के फार्म भराए जा रहे हैं। यार सुहेल, मैं पोछा लगाते लगाते थक गई, अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अबे तो तू झाड़ू लगानी स्टार्ट कर देना। क्यों? अबे झाड़ू लगाने वाला हमेशा आगे बढ़ता और पोछा लगाने वाला हमेशा पीछे को आता। जो रे दोगला ते कबो खुश ना रहबे। का भइल रे? का भइल रे? तोरा संगे हम हरदी लगावे के सपना देखनी आ करे शूटोनी तू हमरा के चूना लगा के चल गइल। आयो मां, अरे हम पागल नहीं हुए रे? ये देखिए सारी दुनिया चांद पे जात है, हम सीधा सूरज पे जाप। नहीं नहीं बेटे, सूरज तो बहुत गर्म होता है, वहाँ आग ही आग है। अरे ही खातिर तो हम फैसला किए हैं कि हम सूरज में दिन में नहीं, रात में जाओ रात। अगर तेरी शादी हुई तो तू मोहब्बत किसकी है तब बताऊंगा, मुझे साका मत समझना जो मंडप जलाऊंगा। मेरी जान, मैं 11 रुपए का कन्यादान लिखवा के 12 रसगुल्ले खा के चुपचाप अपने घर को आ जाऊंगा। अर्ज किया है कि काजू बादाम डाल दो तो हलवा भी अच्छा लगता है, काजू बादाम डाल दो तो हलवा भी अच्छा लगता है, और अगर हो सरकारी नौकरी तो साला कलुआ भी अच्छा लगता है। हमार गर्लफ्रेंड हमको रोज बोलती थी मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी, मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। तो सरप्राइज दी? हाँ दी ना। दूसर के साथ ब्याह कर ली। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, मांगो बालक तुम्हें क्या चाहिए? हे प्रभु मुझे शादीशुदा से फिर से कुंवारा बना दीजिए। बेटा मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। तुम्हें चावल से बर्फ बनाना सिखाऊं? कैसे? राइस में से आर को साइड कर दो, बचा क्या आइस, बर्फ तैयार है।